सो गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 12 सितंबर और मैं जस्ट पार्किंग से निकल रहा हूँ। मेरी टीम जो है मैटरनिटी शूट कर रही है, नेहरू प्लेस में नहीं, नेहरू पार्क में, चाणक्यपुरी में। मैं पार्किंग से निकल के जाऊँगा लोधी गार्डन, एंड लोधी गार्डन के बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे सीआर पार्क। देन उसके बाद एक प्री बर्थडे शूट है आज गेट एंड अर्टा स्टूडियो में। गेट एंड अर्टा स्टूडियो के बाद जो है हम लोगों का एक बर्थडे फंक्शन है, तो बेसिकली माता की चौकी एंड फॉलोड बाय डिनर, ये सब प्रोग्राम है आज पूरे दिन का। आगे चलते हैं और मिलते हैं मेरी टीम से, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। इट्स टाइम अराउंड 10:35 मॉर्निंग आवर्स। क्लाउड है, क्लाउड्स बहुत सारे हैं, सनसेट बहुत तगड़ा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है आज। तो गाइस मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी भी क्लाउड जो है ना लुका छुपी खेल रहा है। देखो आप सामने ब्लैक क्लाउड्स, नोएडा में शाम को मैटरनिटी शूट है। अगर आज दिन भर में एक बार भी बारिश नहीं होती है देन तो हम शाम को शूट कर सकते हैं, अदरवाइज सॉरी। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, ये तो पेड़ जो है ये रोड पे ही गिरा हुआ भाई। देखो अमरूद खाए ले, बहुत मीठा अमरूद। 60 रुपए किलो? 60 रुपए किलो तो बहुत हो गया भाई। आप 100 रुपए किलो बेच रही है अमरूद, मिल ही ना रही अमरूद। जब तो, गली गली में बेचने वालों सारे बंदे आ गए। तो आप 60 रुपए में क्यों बेच रहे हो, 100 में बेचो। 100 में तो देसी मत सस्ता आंगे, अभी तो सस्ता ही बेचूंगा। 250 ग्राम में देखना कितने पीस आते हैं। 250 ग्राम में 2-3 पीस चढ़ेंगे। हाँ ठीक है, 2-3 पीस दे दो, 20 रुपए कर दे रहा हूँ, मुझे ही खानी है सिर्फ। हाँ तो 20 रुपए कर दे रहा हूँ, 3 पीस चढ़ जाएंगे। ठीक है 20 रुपए का कर दो, एक बार दिखा देना, एक बार दिखाओ पहले। मसाला तो बाद में लगाना, पहले दिखा दो अमरूद का शक्ल। अरे सही दिया मैंने, वही तो है तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने। इनको धो देना पहले, पानी है अच्छे से धो देना। चलो भाई अमरूद खाते खाते चलते हैं लोधी गार्डन। सो हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग, बढ़िया। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए सीआर पार्क और हमारे नेहरू पार्क से मैटरनिटी शूट करते हैं। वेरी गुड, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस मैटरनिटी? बहुत बढ़िया रहा, आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो लोग, दिल्ली कैंट में रहते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे फोटोज आए, फिल्टर्ड लाइट, क्लाउडी वेदर, बहुत बढ़िया फोटोग्राफ। चलते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। चलें आगे। ओके चलो। अच्छा अभी अमित देख लो क्या कलाकारी चल रही है। दादा कम बन चे अखोर मूर्ति अनेक कम ताई देखने तो अनेक मूर्ति बने। हाँ ताई तो आपने तो जन्ने हो प्रॉब्लमेटिक, देख लो यहाँ पे पता है कितनी मूर्तियाँ बनती थी। लास्ट टू लास्ट ईयर आया था मैं, 2 साल पहले नहीं 3 साल पहले, बड़े बड़े मूर्तियाँ भाई, मतलब वो ऊपर तक टच हो जाता था छत तक, इतने बड़े और लाइन से लगे होते थे। Thank you.
सर हितेश कैसा रहा? नहीं तो मतलब पार्ट लिया है, सीरीज लेंगे, काम होगा तो मज़ा आएगा है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना 10 दिन बाद दोबारा आना चाहिए। 10 दिन बाद तो आएंगे ना, तो ये जितने भी मूर्तियाँ हैं इनमें सब पेंट हो रही होंगी है ना, तो फिर मज़ा आएगा। अमित इससे पहले कभी देखा था ऐसा मूर्तियाँ बनते हुए? आज पहली बार देखा। पहला ट्रिप फोटोग्राफी में ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी देखने को करने को जो आप ज़िंदगी में किया ही नहीं होगा कभी। बिल्कुल वो तो है सर, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे यहाँ पर आपको है ना, मिल रहे हैं ना आपको एक्सपीरियंस। वीडियो ले रहे हैं ये सिया कहाँ पर काली मंदिर है, ये पीछे काली मंदिर बना हुआ है और यहाँ ग्राउंड है, ये मंदिर है। मुझे लगता है इस बार जो है ना ठंडा होने वाला है, बिल्कुल ठंडा रहेगा इस बार। लास्ट ईयर भी ठंडा था, इस साल भी ठंडा होगा सिंपल। ये देखो मंदिर, ये नाम से सुपर मंदिर लिखा हुआ, नो मास्क नो एंट्री। डस्टबिन एरिया यहीं पे पूजा होती है। मिस्टर हितेश सामने से आते हुए, अब हम लोग जाएंगे एक रेस्टोरेंट में जो कालीबाड़ी के ठीक साथ में है। कुछ सालों बाद में आया था, मैनेज बाय एरिस्टोक्रेट कैटर्स। ओके चलें अंदर। चित्रंजन पार्क काली मंदिर सोसाइटी कैंटीन, ये मुझे ऐसा लग रहा है बंगाली रुचि लिखा हुआ है, बंगाली रुचि। सो गाइस हम लोगों का लंच आ गया, ये वेज है प्योर और ये भी प्योर वेज है, ये भी प्योर वेज है एंड दिस इज अनिल, ये मिस्टर हितेश, मिस्टर अनिल यहाँ मैं। लंच फिनिश करते हैं फिर दोबारा मिलते हैं। ओके तो गाइस अब हम लोगों ने मिष्टी दही ऑर्डर की है, ये बेसिकली ना ये कर्ड है और ये गुड़ से बनता है, तब इसको बोलते हैं मिष्टी दही बंगाली में। हितेश कैसे लग रहा है आपको मिष्टी दही? बहुत बढ़िया, मैंने खाया बढ़िया लगता है मुझे। लास्ट में मैंने खाया था, दो मंगाए थे सच में। ओ अमित आपको कैसा लगता है? अच्छा टेस्ट है, बढ़िया लगता है। खाया था लास्ट टाइम अमूल, अमूल का। ये तो इस मिट्टी वाले जगह में ही बनता है, ये बंगाली में भाड़ बोलते हैं इसको, ये मिट्टी के भाड़ में बनता है। अच्छा हाँ, उसका टेस्ट ही अलग होता है। सो गाइज अब हम लोग पहुंच गए हैं गेटन आटा बीटा 2, दिस इज द स्टूडियो मिलेनियम डांस एंड फिटनेस स्टूडियो, यहीं पे आज हम लोग शूट करेंगे सेकेंड ईयर बेबी बॉय। टू निकाल लो, इट्स इम्पोर्टेंट। ये हम लोगों का गोदाम है राइट, गोदाम, अब गोदाम ही है ये, गाड़ी थोड़ी ना है। सी द क्लाउड्स, ओ माय गॉड।
गाइस अब हम लोग अपने ग्रेटर नोएडा स्टूडियो से फ्री होके पहुंच गए हैं। मिस्टर हितेश, गिटार और भी एक दो कहानी, दूसरी कहानी, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। इस हिसाब से पिज़्ज़ा बॉय हो गए, जैसे चॉकलेट बॉय होता है। जो भी बनाता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, दो चार दिन की ज़िंदगी है, दो दिन बीत चुका है, तीसरा और चौथा दिन बिताना है, बीत जाएगा वो भी। इतना ह्यूमिडिटी है ना, क्या बताऊँ आपको। बादल ऐसे छा रखे हैं, बारिश नहीं है, ठीक है, और ओके नो प्रॉब्लम, देखते हैं। तड़पे हैं सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी। सो गाइस, हम लोग मॉर्निंग शूट हम लोगों ने किया नेहरू पार्क जाने के पूरी, उसके बाद मैं और हितेश गए सी आर पार्क में कुछ फुटेज निकाले, काफ़ी अच्छे फुटेज आए। एंड उसके बाद हम लोग लंच किया हम लोगों ने बंगाली रुचि करके, एक रेस्टोरेंट है सी आर पार्क कालीबाड़ी के ठीक साथ में, वहाँ पे हम लोगों ने बंगाली डिशेस ट्राई किए। एंड उसके बाद जो है हम लोग आए थे ग्रेटर नोएडा हमारे स्टूडियो में, बीटा टू में ये स्टूडियो है बेसिकली। और इस स्टूडियो में बेसिकली डांस एंड फिटनेस के क्लासेस होते हैं, और हम लोगों ने आज एक 2 इयर्स बेबी बॉय का शूट प्लान किया था। इट वाज नाइस सेशन, काफ़ी अच्छा सेशन था ये, एंड इजीली शूट हो गया। मैं निकल चला हूँ अब गाज़ीपुर गोल्डन नॉट्स के लिए, वहाँ पे एक फर्स्ट ईयर बेबी बॉय के लिए कुछ हवन पूजा ऑर्गेनाइज किया हुआ है मैम ने, वो कवर करना है। एंड देन मेरे ख्याल से करीबन रात को 11 बजे फ्री होंगे हम, और उसके बाद जो है डे ऑफ हो जाएगा हम लोगों का। सामने कुछ रश हो रहा है, इतना रश क्यों है सामने, आई डोंट नो। अच्छा, ये तो बड़ी चौक आ गई, तो बड़ी चौक में तो रश हो गई। चलो गाइज मिलते हैं गाजीपुर में, मैं पहुंचता हूं फिर वहां मिलते हैं, ओके बाय। मैं बेसिकली ना अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि चलो सनसेट का व्यू दिखाते हैं। बहुत ही गजब क्लाउड्स लग रहे हैं, बारिश के बाद ना स्काई का एक अलग रोल प्ले होता है। सी ऊपर क्लाउड्स स्काई, ये और थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम में, जब तक सनसेट होगा। तो आई एम रिटर्निंग फ्रॉम परी चौक टू गाजीपुर, मुझे समवेयर अराउंड 50 मिनट्स लगेंगे, एंड लेट्स सी कितनी जल्दी पहुंचता हूं। मुझे रश मिले ना मिले वो देखना पड़ेगा, बट होपफुली मैं 6 बजे से पहले आई विल बी देयर। बूंदाबांदी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत, होनी थी आज पूरे दिन बारिश होनी थी लेकिन हुई नहीं है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट आई डोंट नो, बट ठीक है। यहाँ से जो है आगरा के लिए रास्ता कटता है एक्सप्रेस हाईवे लेफ्ट साइड में, एंड स्ट्रेट जो है सीधा महामाया फ्लाईओवर एंड देन सेक्टर 18। तो आप लोग स्काई को एंजॉय करो, सी हाउ इज़ द स्काई। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप ये बताना कि आप लोगों में से कितने लोग सनसेट को चेज करते हो, कितने लोगों को सनसेट दिखता है, सनसेट को देखना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है सनराइज, थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज वी आर लाइक लेट नाइट पीपल, और सनसेट बहुत मुश्किल से ही होता है। सेट जो है वो मौका मिल जाता है कभी कभार देखने का, तो आप लोग देख पा रहे हैं आई होप सनसेट
चलो गाइस आगे मिलते हैं, पहुंचता हूं मैं जल्दी। स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर बट मेरी गाड़ी की स्पीड फ़िलहाल है 60 के आसपास। तो ये है सनसेट व्यू, एक तरफ मेट्रो रेल लाइन, मेट्रो के फ्लाईओवर्स, ये तो व्यू और ही गजब दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल गजब हो गया। तो गाइस कमेंट करके बताना क्या ये व्यू अच्छा है या नहीं, है ना, कमेंट करके बताना। चलो आगे मिलते हैं। ये नए आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे ना इस एक्सप्रेस हाईवे पे। अभी किसी का फोन आया है, इसका फोन आया है, ये हितेश का फोन है। चलो गाइस हितेश से बात करते हैं। सो गाइस पीछे आपको सनसेट का व्यू दिख रहा होगा, ये फ्लाईओवर पूरा जाम हो गया बिकॉज ऑफ रेनिंग एंड रोड खराब जो भी है। मेरी गाड़ी की टंकी होगी थी खाली तो मैं अभी डीजल डलवा रहा हूँ। मेरा डीजल पहले फुल होता था 3500-3400 रुपये में, अब जो है मेरी गाड़ी का टंकी फुल होता है कितने रुपये में, 4445 रुपये। आप कट लगा ये दे दो 4400 रुपये।